हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कोचिंग जा रहे हैं और अभी हम कोचिंग लैंड होने वाले हैं। काफ़ी ग्रीनरी है कोचिंग में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। अभी हम अपने होटल जा रहे हैं जो कि एयरपोर्ट से 1 आवर के डिस्टेंस में है। लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे कोकोनट ट्रीज दिख रहे होंगे। कोचिन में कोकोनट ऑयल, बनाना चिप्स और स्पाइसेस काफ़ी फेमस है, तो आप जब भी कोचिन आए तो ये सब चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। अभी हम होटल पहुंचने वाले हैं और ये हम होटल पहुंच गए और ये मेरा रूम है फॉर 3 डेज। और ये मेरी विंडो का व्यू। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा ब्रेकफास्ट जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। आप जब भी कोचिन में आए आप साउथ इंडियन फूड ज़रूर ट्राई करिए। और ये लेफ्ट में पूरा बुफे एरिया है, यहाँ पे ये स्टाफ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। अभी हम पास की एक शॉप में जाएंगे और ये है वो शॉप जहाँ पे फ्रेश चिप्स मिलते हैं, बनाना चिप्स और जैक फ्रूट चिप्स। मंडे और ट्यूसडे ये फ्रेश चिप्स फ्राई करते हैं। ये आपके प्लेन सॉल्टेड चिप्स हैं बनाना, इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो ये स्पाइसी फ्लेवर भी है इसमें। और ये जो रेड कलर के ये बीटरूट चिप्स हैं। अभी हम कोकोनट ऑयल लेने जा रहे हैं। होटल के जस्ट पीछे ही एक शॉप है जहाँ पे फ्रेश कोकोनट ऑयल मिलता है। ज़्यादा बड़ी शॉप नहीं है, काफ़ी छोटी शॉप है, बट ऑयल बहुत अच्छा मिलता है। तो व्हेनेवर आई कम इन कोचिन आई मेक श्योर कि मैं यहाँ से ऑयल लेके जाऊँ। ये राइट साइड में आपको छोटी सी शॉप दिख रही होगी, ये जो अंकल है ये शॉप के ओनर है। और ये देखिए, आपको अलग अलग पैकेजिंग मिल जाएगी, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर। और पीछे आपको कंटेनर्स और मशीन्स दिख रही होंगी जिससे ये फ्रेश ऑयल निकालते हैं। और ये अभी पैक कर रहे हैं बॉटल्स को ताकि लीक ना करें। आप जब भी कोकोनट ऑयल लें इसे जाने से 1 दिन पहले फ्रिज में रख दें ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। और साइड में एक शॉप है जहाँ पे चिकन 65 और फ्राई चिकन काफ़ी अच्छा मिलता है, तो मैंने यहाँ से दोनों चीज़ पैक करा ली है। और आप देख रहे होंगे इसमें हर चीज़ में करी पत्ता डाला हुआ है, तो ये लोग करी पत्ता और कोकोनट ऑयल का काफ़ी यूज़ करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं होटल और ये है हमारा होटल हॉलीडे इन। और इस साइड में अंकल ने एक छोटी सी स्टॉल लगाई है जिसमें ये फ्रेश फिश बेचते हैं।
ये लोग काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं। ये साइड में सिटिंग एरिया है और लेफ्ट में रिसेप्शन है। और ये मेरा रूम है लेफ्ट साइड में 514। अभी हम नेक्स्ट डे छोटानीकारा टेम्पल जाएंगे और ये है छोटानीकारा टेम्पल जो कि महालक्ष्मी और विष्णु जी का टेम्पल है। यहाँ पे सब आपको ज़्यादातर धोती में दिख रहे होंगे क्योंकि कोचिन में ज़्यादातर लोग धोती पहनना प्रेफर करते हैं और लेडीज़ यहाँ की ट्रेडिशनल साड़ीज। ये इनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक ये प्ले कर रहे हैं। यहाँ आपको तराजू दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो भी दान करना है तो यहाँ पे तराजू में तौल करके जितना भी आपको दान करना है वो आप दान कर सकते हैं। जैसे कि साइड में फ्रूट्स रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो आप दान कर सकते हैं। ये पूरा टेम्पल है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं जो आप दान कर सकते हैं, हल्दी, राइस, गेहूँ। और ये जो पिलर है गोल्डन कलर का, यहाँ पे फ्लैग लगाते हैं जब इनकी बड़ी पूजा होती है। नॉर्मली यहाँ पे ये खाली रहता है पर जब इनकी बड़ी पूजा होती है यहाँ पे ये फ्लैग लगाते हैं। तो हमारा अब कोचिन का स्टे ख़त्म हुआ, हम वापस जा रहे हैं। ये कोचिन एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जिसके सामने है जो पुराना एयरपोर्ट था, ये इन्होंने अभी नया बनाया है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये लेफ्ट साइड में डिपार्चर एरिया है। ये भी हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और ये सामने आपको जो दिख रहा है ये काउंटर एरियाज है, यहाँ पे चेक इन होती है और आगे सीधे जाके राइट में हम सिक्योरिटी एरिया क्लियर करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।